अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम इजी और मजेदार जो है वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। अगर आप ये पुलाव बनाएंगे तो आपको चिकन और मटन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली है। मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल लिए। यहाँ पे मैंने दो गाजर लिया है, बीस मैंने लिया है यहाँ पे फेरस भी, दो मैंने आलू लिए है, दो मैंने लिया शिमला मिर्चे, और पाव किलो जो मैंने लिया है 250 ग्राम गोभी। और आलू को देखिए इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। और दो बैगन लिया है मैंने, लेकिन बैगन को मैंने अभी कट नहीं किया क्योंकि काले हो जाते हैं, जब मैं फ्राई करने जाऊंगी तब कट करूंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लूंगी 250 ग्राम जो है हरे मटर, मतलब वटाना जिसे कहते हैं वो। अब इन सबको अच्छे से वॉश करके मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया था। यहाँ पे एक देखिए बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून जो है भर के ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर दिया है। अब जितनी भी वेजिटेबल्स है हम इसमें जो है वो फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, अगर आपको कोई भी वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ाना है या घटाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ अगर उसी तरीके से आप सब कुछ ऐड करेंगे तो आपका जो वेजिटेबल पुलाव परफेक्ट बन के रेडी होगा। देखिए इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई कर लिया था वेजिटेबल्स को। अब देखिए थोड़ा हल्का मैंने उसे पकाने के बाद जो है उसके बाद मैंने इसमें हरा मटर और जो शिमला मिर्ची है वो ऐड किए, क्योंकि ये जल्दी गल जाएंगे तो फूटने लगेंगे, इसलिए मैंने आधा जब उसे फ्राई कर लिया उसके बाद मैंने इसे ऐड किया। अब आपके देखिए, दूसरी बात ये है कि आपको वेजिटेबल जिस तरीके से भी कटना है, लंबा लंबा पतला पतला जैसा भी आपको कट करना है आप कर सकते हैं। जो मैं वेजिटेबल्स को थोड़ा ज्यादा गला दूंगी क्योंकि बच्चे कभी कभी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे जरूर खाएंगे। देखिए सब वेजिटेबल एकदम अच्छे से गल गए हैं, और गोभी अभी भी आपको थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी नजर आ रही होगी, लेकिन चावल में ये एकदम अच्छे से जो है पक जाएगी। अब ये स्टेज पे मैं वेजिटेबल्स को अपने निकाल रही हूँ इस तरीके से। देखिए आपको शिमला मिर्ची का कलर नजर आ रहा होगा, शिमला मिर्ची भी थोड़ी बड़ी बड़ी मैंने कट की है। इसके बाद देखिए वही ऑयल में जो है मैं मसाले बनाएंगे, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है ऑयल मैंने इसमें और ऐड किया है। इसी के साथ कुछ खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 से 15 मैंने लौंग ले लिया है, दो से तीन दालचीनी की स्टिक, 5 मैंने हरी इलायची ली है, 2 मैंने ले लिया है बड़ी इलायची, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1 स्टार फूल और 1 टेबल स्पून जो है भर के मैंने लिया है जीरा। अब इसे थड़कने तक जो है पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 तेज पत्ते, खड़े गरम मसाले जैसे जैसे मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसी तरीके से ऐड करिएगा, परफेक्ट बन के आपका पुलाव वो जो रेडी होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 किलो चावल की रेसिपी बनाई है, वो हिसाब से आपको जो मसाले और वेजिटेबल्स बताए हैं। और जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसी के साथ मैं इसमें 3 जो है बड़े साइज की प्याज जो है मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज को देखिए इस तरीके से मैंने गोल गोल कट किया है। देखिए अब प्याज को हमें जो है वो लाइट ब्राउन होए तक कुक करना है चलाते हुए। इस तरीके से प्याज कट करने से क्या होता है, प्याज हमारी जल्दी पक जाती है और सब एक साइज के जो है वो कलर प्याजों में आता है। देखिए प्याज हमारी जो है लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बहुत ही इजी और कम मसाले में बनने वाली ये रेसिपी है। इसी के साथ अदरक लहसुन को हम जो है वो 1 मिनट के लिए जो है पका लेंगे ऑयल के अंदर इस तरीके से। बहुत झटपट भी बन जाती है, सिर्फ वेजिटेबल्स जो है वो कट करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन बहुत ही फटाफट बाकी जो प्रोसीजर है वो फटाफट से हमारी जो बन के तैयार हो जाती है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े साइज के ही टमाटर। टमाटर को भी देखिए मैंने उसी तरीके से कट किए हैं। अब टमाटरों को भी हल्का जो है हम गलने देते हैं मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने टमाटरों को भी। देखिए हम टमाटर हमारे हल्के जो है वो गल गए हैं। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और 10 से 15 हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से देखिए दरदर आपको नजर आ रहा होगा मोटा जो है वो मिक्सी में पीस के और फिर उसे भी ऐड कर दिया है। और बाद में जो है मैं खड़ी हरी मिर्चें भी ऐड करूंगी इसमें। आप टेस्ट जितना भी खाते हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मसाला हमारा जो है एकदम अच्छे से पक गया है, टमाटरों का पानी छूट गया था, अच्छे से मसाला हमारा जो है भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए जैसे 1 किलो मैंने चावल लिया है तो वो हिसाब से मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं आपको उंगली जो होती है हमारी उंगली का जो फर्स्ट लाइन होता है 1 इंच का, उतना पानी आप इसमें ऐड करिएगा तो आपके चावल एकदम परफेक्ट पक के रेडी होंगे। देखिए ज्यादा पानी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा पानी हमें इसमें ऐड करना है। अब ये चावलों का जो पानी है उसे हम पकने देंगे। देखिए आपको नजर आ रहा होगा पानी
अब देखिए पानी हमारा पक रहा है अच्छे से। अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने धो के 15 मिनट के लिए, सिर्फ मैंने 15 मिनट के लिए जो है वो साइड पे रख दिया था, और चावल हमारे अच्छे से जो है वो भीग गए हैं। अब जो चावल हमारा है वो ऐड कर देंगे हम इसमें। देखिए एकदम परफेक्ट, आपको नजर आ रहा होगा कि चावलों में पानी कम नहीं, चावल हमारे एकदम परफेक्ट बन के रेडी होंगे। मैं आपको एंडिंग में दिखाऊंगी वीडियो। देखिए इतना पानी मैंने इसमें ऐड किया, आपको मैंने बताया मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे मसाले, पानी का मेजरमेंट, वेजिटेबल्स का मैं आपको बता रही हूँ, वैसे वैसे ही ऐड करिएगा। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक लेमन जूस, नींबू का रस। देखिए मैं ये स्टेज पे ऐड कर रही हूँ ताकि चावल जो हमारे वो छिटके नहीं और खुले खुले बने। और देखिए निचोड़ने के बाद मैंने नींबू को भी इस तरीके से इसमें ऐड कर लिया है। अगर छोटे नींबू है तभी ऐड करिए, बड़े बड़े नींबू होंगे तो मत ऐड करिएगा, नहीं तो टेस्ट खराब हो सकता है छिलकों की वजह से। इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 7 से 8 हरी मिर्चें, इस तरीके से इसमें कट्स लगा लिया है और इसे भी ऐड कर लिया है। देखिए तीखा बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितना भी खाना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसे हम जो पकने देंगे मिक्स करने के बाद। मिक्स करने के बाद हम इसे पकने देंगे तो इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे जब तक पानी हमारा जो है दम दिए तक जो है ना सूख जाए, जब तक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना, इसी तरीके से पकने देना है। देखिए इसी ऐसे ही कितने मजेदार नजर आ रहा है ये। अब देखिए ये स्टेज पे जो है दम के बराबर पानी हमारा हो चुका है ड्राई। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चावल नजर आने लगा है अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। मैं आपको बिल्कुल एक एक जो है स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ, जो नया नया बनाएगा, जो फर्स्ट टाइम कुकिंग करेगा उसके लिए बहुत ईजी है, इस तरीके से बनाइएगा। अब ये जो वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को जो है वो लो कर दिया है ताकि जो हमारा पानी जो बचा हुआ है चावलों के अंदर वो बिल्कुल सूख ना जाए, क्योंकि वो चावल जो पानी बचा है उसी में हमको वेजिटेबल भी मिक्स करना है ताकि मसालों का फ्लेवर वेजिटेबल्स में भी अच्छे से आ जाए। देखिए कितने अच्छे से ये मैंने मिक्स कर दिया है, और नमक भी इसका टेस्ट कर लिया है, नमक भी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जो है 8 से 10 ड्रॉप केवड़ा वाटर। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका एकदम जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो खुशबू आती है पुलाव में, बिरयानी में, वैसी आने लगती है और एकदम परफेक्ट बनता है। मैं इसे कपड़ा रख के दम पे लगा दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा था और एक मोटे तवे के ऊपर रखा था, और उसके ऊपर वजन चीज मैं एक रख दूंगी। देखिए 10 से 15 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ करके और 15 मिनट के लिए बंद रहने दिया था ढक्कन को, उसके बाद मैंने ओपन किया। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, नजर आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार पुलाव बनके रेडी हुआ था। देखिए रेडी है हमारा मजेदार वेजिटेबल पुलाव, झटपट सी रेसिपी और एकदम रेस्टोरेंट वाला जो है रेडीमेड जैसा लग रहा था। बाहर का हम वेजिटेबल पुलाव खा रहे हैं, आप बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आप जब भी ट्राई कीजिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको लगा कैसे। अगर आपको मेरे वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।